नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश और पड़ोसी देश नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशाने को पार कर गया है। कई जगहों पर निचले इलाके में नदी का पानी घुस गया है। बता दें, नेपाल की तरफ से गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी में उफान आ गया है। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड स्थित रामपुर कला गांव पूरी तरह से डूब गया है। गंडक नदी का पानी गांव में घुसने के कारण करीब 50 घर बाढ़ में डूब चुका है, जिसके कारण सैकड़ों लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। वहीं मंगलपुर कला गांव के कई लोगों के घर पूरी तरह से डूब गए हैं और गांव के लोग सड़कों पर रहने को विवश हो गए हैं। बाढ़ और बारिश के कारण लोग खासे परेशान हैं। प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी है। बता दें कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा समेत राज्य की 8 बड़ी नदियां खतरे के निशाने को पार कर गई हैं। गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, ललबकिया, परमान नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर पहुंच गया। इसके बाद बड़े इलाके में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच जल संसाधन विभाग ने पूरे प्रदेश में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।